हमारे हॉस्पिटल का कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे हम 3 कैंसर्स की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। मैं कर रही हूँ ब्रेस्ट कैंसर की, जिसमें क्लिनिकल चेकअप है, और सर्विक्स कैंसर की, जो कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, उसमें हम पैप स्मियर लेके जाएंगे। और मेरे साथ है ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर गीतू अरोड़ा, जो कि मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग कर रही है। जैसे तंबाकू एक बहुत बड़ा कारण है बहुत सारे कैंसर का। डॉक्टर गीतू, डॉक्टर गीतू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर गीतू अरोड़ा हूँ, ENT स्पेशलिस्ट, यहाँ हर्ष विहार में कैंप में आए हैं। हम लोग मुंह के कैंसर की, ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जो भी लोग टबैको च्यूइंग, तंबाकू खाते हैं या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनमें मुंह का कैंसर होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो हम यही कहते हैं कि स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, ताकि आगे मुंह का कैंसर ना हो। एक छोटा सा छाला भी आगे जाके, जो तंबाकू खाने से होता है, कैंसर में कन्वर्ट। आप लगातार ऐसे अवेयरनेस कैंप लगाते रहते हैं, और सभी को पता होता है, इनके ऊपर लिखा भी होता है कि ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, कैंसर हो सकता है, फिर भी लोग इसे खाते हैं। इसको रोकने के लिए और क्या कोई प्रयास आपने अपने जीवन में कभी किया है? हाँ, हम लोग हॉस्पिटल में भी टबैको सजेशन क्लिनिक चलाते हैं, जिसमें हम तंबाकू छुड़वाने के लिए पेशेंट्स को काउंसलिंग करते हैं। थ्रू काउंसलिंग कोई मेडिसिन भी होती है इसके लिए? मेडिसिन लास्ट ऑप्शन होता है। पहले हम बिहेवियरल काउंसलिंग से ही पेशेंट को करते हैं कि वो क्विट करते हैं टबैको, फिर हम उनको फॉलोअप में बुलाते हैं। आपने व्यक्तिगत तौर पर हॉस्पिटल के लोग पे ऐसे कितने लोगों काउंसलिंग करी है इसको नशा छोड़ने के लिए, कोई आंकड़ा है इसका? आंकड़ा तो हो गए 400-500 लोग होंगे। उसमें से कुछ ऐसे लोगों का आंकड़ा है कि जिन्होंने छोड़ दिया आपकी काउंसलिंग के बाद, आपके हॉस्पिटल के? 40-50 लोग हैं। कितने समय की आंकड़ा है ये? है लास्ट 6 मंथ्स। चलो, प्रयास तो अच्छा है और लेकिन आंकड़ा बहुत कम है। अभी धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ, उसी की प्रयास, कोशिश करो कि आपकी टीम के मार्केटिंग मैनेजर अपना परिचय देंगे आप पूरा। सर, मेरा नाम मेहनदीप है, और मैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में CSR एक्टिविटी वगैरह देखते हैं। हम लोग कैंसर प्रिवेंशन के लिए जितने भी काम किए जाते हैं वो हम लोग करते हैं, और इसमें हम लोग एजुकेशनल प्रोग्राम करते हैं, कम्युनिटीज में करते हैं, RWS में करते हैं, कॉर्पोरेट्स में करते हैं, स्कूल्स में, कॉलेज में करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि एजुकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इतना ज़्यादा लोगों को कैंसर के साथ ना बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं कि किसी को कैंसर हो गया तो वो कन्फर्म हो गया, उसका इलाज नहीं है, ऐसा कुछ धारणा है, कैंसर के साथ बने ही हुए। तो हम इसी मिथ को तोड़ने के लिए एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम करते हैं, जिसे हम कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। ये निःशुल्क होता है ये जितना सारा होता है प्रोग्राम ये, या इसके कुछ चार्जेस लेते हैं? नहीं, हमारे सारे प्रोग्राम निःशुल्क होते हैं। हम कोई भी पैसा किसी भी संस्था से या किसी भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर से या कहीं से भी कुछ भी पैसा नहीं। ऐसे महीने में कितने कैंप आप ऑर्गेनाइज करते हैं संस्थाओं के साथ या अपने स्तर पर? एक महीने में कम से कम 20-25 कैंप होते हैं इस तरीके के। उसमें लगभग कितने लोगों को अवेयर कर लेते हैं महीने में? हम ऑन एन एवरेज एक कैंप में 50-100 लोग तक आते हैं पब्लिक कैंप में, और जैसे स्कूलों वगैरह में होता है तो वहाँ पे तो संख्या पूरी स्टूडेंट की होती है, तो 9+ हम बच्चे लेते हैं। क्योंकि क्लस्टर एरिया में जाते हैं हम, कभी क्लस्टर्स में हम जाते हैं, क्लस्टर्स में तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। क्लस्टर में भीड़ ज़्यादा होती है सर, एक्चुअली क्या है कि हमने कुछ क्लस्टर अडॉप्ट भी किए हुए हैं। जैसे बताएंगे? जैसे शाहबाद डेरी गाँव है, जहांगीरपुरी है, मंगोलपुरी है, सुल्तानपुरी है, नागलोई विलेज है, आपका ये इधर मदनपुर डबास के पास 4-5 गांव हैं, जैसे भाग्य विहार हो गया, और कुछ एक और कॉलोनी रानीखेड़ा के आसपास एक मीर विहार है इधर। तो ये सारे कुछ कॉलोनीज हैं जो हमने एक तरह से अडॉप्ट करे हुए हैं। इनमें हम लोग आंगनवाड़ी के साथ मिलके प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी के सेंटर वहाँ होते हैं, हमें जगह चाहिए होती है कैंप करने। कितने पेशेंट्स का इलाज आपने कैंसर डिटेक्ट हुआ इनके अंदर जो आपने कैंप ऑर्गेनाइज किया और फ्री किया उनका? ऑन एन एवरेज हमारे साल में 10-12 हज़ार हम टोटल पॉपुलेशन स्क्रीन करते हैं थ्रू कैंप। उसमें कितने पेशेंट डिटेक्ट होते हैं, डिटेक्ट हुए हैं आपके पास अंदाजा एक साल के अंदर, जिनका इलाज फ्री किया? एक साल के अंदर हमारे पास ऑन एन एवरेज वैसे तो करीब 50-60 पेशेंट तक आते हैं ऑन एन एवरेज, जो कैंप के थ्रू आते हैं। सर, उसमें से हमने जो हमारा CSR फंड है उसमें से हमने करीब अभी तक 11 पेशेंट्स का, क्योंकि अभी 2 साल तो कोविड की वजह से कोई कैंप नहीं कर पाए,
तो ये जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ वो 2019 से लेके अभी तक की है, क्योंकि 20-21 में तो कोई प्रोग्राम ही नहीं हुआ। तो 19 से लेके 21 तक करीब हमने 11 पेशेंट ऐसे हैं जिनका हमने ट्रीटमेंट कराया है अपने अस्पताल में, इसमें से कुछ पेशेंट अभी भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं फॉलोअप में। उसमें कोई लिमिट होती है इलाज कराते तक कि कितना का खर्चा फ्री हो सकता है, खाना पीना अटेंडेंट का? इलाज वैसे हमारी ऐसे है कि 5 लाख रुपये का हमने लिमिट रखा हुआ है पेशेंट्स के लिए, लेकिन अगर हमारे कंसल्टेंट कहते हैं कि उसका और खर्चा होगा तो दोबारा हमारी मैनेजमेंट कमेटी से अप्रूवल लेके हम उसका अमाउंट बढ़वा लेते हैं। इसमें कोई दिल्ली सरकार का कंट्रीब्यूशन रहता है? नहीं सर, ये टोटली हमारे हॉस्पिटल के फंड से है। कोई तो जो आपका हॉस्पिटल है केंद्र सरकार के से एफिलिएशन में है या दिल्ली सरकार, ये दोनों से चलता है? ये हॉस्पिटल जो एफिलिएटेड होते हैं वो तो मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट से ही होते हैं, इसमें आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट का तो जो रोल होता है वो मतलब ज़्यादा मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट जो गवर्नमेंट का रोल होता होगा वो वही होता होगा। अब जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो 30 ईयर्स ओल्ड है, मैंने तो ये ऑर्गेनाइजेशन 2018 में मतलब 5 साल पहले ही ज्वाइन करी, लेकिन जो इंस्टीट्यूट है हमारा वो 1996 से है। आपने कीमती समय दिया और हमारे श्रोताओं के लिए, दिल्ली के नागरिकों के लिए एक एक जागरूकता ये भी रहनी चाहिए कि उनको पता चले कि राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल और उनकी जो टीम है, उनका जो मैनेजमेंट है, जनता के हित के अंदर एक ये जो महामारी है कैंसर, इससे लड़ने के लिए दिल्ली की जनता की सेहत को लेकर चिंतित है, प्रयास करते हैं, अपने पास से कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, पैसा भी खर्च कर रही है संस्था अपनी तरफ से इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने में। जैसे आपने बताया 5 लाख तक का खर्चा भी होता है, उससे ज़्यादा भी होता है, और जितने पेशेंट के इससे ये अंदाज़ा लगता है कि करोड़ों रुपये का खर्चा इस तरीके के अवेयर कैंप में आपकी संस्था द्वारा किया जा रहा है। इसकी बहुत ही प्रशंसा मैं करता हूँ, भूरी भूरी प्रशंसा के बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ। डॉक्टरों को भी धन्यवाद करता हूँ कि जानलेवा बीमारी में जनता के अधिकारों के लिए जनता के बीच ये हैं, इसकी मैं प्रशंसा राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन की भी करता हूँ और हमारे भाई जितेंद्र तोमर जी जो आए हैं त्रिनगर के पूर्व विधायक उनकी भी, आर डब्ल्यू के वेलफेयर के प्रधान ध्रुव गोयल जी की भी और आपकी भी, मैं पुनः ये सारी टीम की का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।